नमस्ते, हमें विवेकानंद जाधव, आप लगातार देख रहे हैं द BNY न्यूज। भारतीय जनता पार्टी का हमला लगातार बिहार सरकार के नीतीश कुमार पर जारी है। कई ऐसी बात मैं बता चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नेतृत्व परिवर्तन की भी बात कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेतागण नीतीश कुमार को अब दरकिनार कर स्वयं अपना मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं। कल की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य डॉक्टर CP ठाकुर अरवल दौरा के दरमियान में उन्होंने कहा कि शराबबंदी पूर्ण रूपेण असफल प्रयास नीतीश कुमार का है। शराबबंदी के नाम पर नीतीश कुमार का यह असफल प्रयास निंदनीय है। इस प्रयास से कोई लाभ लोगों को नहीं हुआ। लोग आराम से अपने घरों में शराब मंगाकर आराम से पी रहे हैं, आराम से वो घूम रहे हैं, हर उनकी जरूरतें डिलीवरी करने वाले लोग पूरा कर रहे हैं। हाँ, एक फायदा हुआ कि नीतीश कुमार के शराबबंदी के फैसले से एक फायदा जरूर हुआ कि सड़कों पर जो गरीब गुड़वा पीकर घूमते थे, भटकते थे, गिर जाते थे, वो केवल बंद हुआ। लेकिन शराब की खपत पहले से ज्यादा है, पहले से ज्यादा बिक्री है। शराब की बिक्री बड़े ही सुनियोजित तरीके से की जा रही है, लोगों के घर तक पहुंचा दिया जाता है, लोग आराम से घर में पी रहे हैं। शराबबंदी से कोई लाभ बिहार वासियों को नहीं हुआ, पीने वाले पी रहे हैं। यह डॉक्टर CP ठाकुर भाजपा के वरिष्ठ नेता कहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो बेहतर प्रदर्शन कहा जाएगा, बेहतर प्रदर्शन होगा। और अकेले चुनाव लड़ने से सबसे ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतकर विधानसभा में आवेगी। तो इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि नीतीश कुमार के कार्यकाल से अब भारतीय जनता पार्टी के नेतागण खुश नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी अब उब चुकी है, क्योंकि जनता की समस्या बढ़ चुकी है, जनता का विरोध बढ़ चुका है, जनता उग्र हो चुके हैं, जनता नीतीश और का विरोध जमकर कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेतागण भी अब जनता को अपने पक्ष में करने के लिए विरोध का स्वर ऊंचा करना प्रारंभ कर दिया। यह प्रश्न नीतीश कुमार पर खड़ा किया गया है शराबबंदी के मामले का CP ठाकुर के द्वारा, जो उनके लिए यह सोच का विषय है। दोस्तों, मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।